पंजाब के अमृतसर से आ रही है, जहां स्वर्ण मंदिर के पास एक बार फिर धमाका होने की खबर मिली है, जिसके बाद अमृतसर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इस मामले में पुलिस ने एक लड़के को हिरासत में लिया है। ये बड़ी खबर पंजाब के अमृतसर से आप देख रहे हैं। स्वर्ण मंदिर के पास धमाके की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। स्थानीय लोगों ने बताया कि किस तरीके से वहां धमाका हुआ है। हालांकि पुलिस को यहां से एक चिट्ठी भी बरामद हुई है। इस मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौजूद है। चमन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। चमन, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस धमाके को लेकर? जी सपना, देखिए अब तक पुलिस ने जो है जो एक लड़के को जो है हिरासत में जो है लिया है, और उससे जो है कुछ विस्फोटक सामग्री भी जो है प्राप्त की गई है, और उससे कुछ इंजेक्शन भी मिले हैं। और बता दें कि एक हफ्ते के अंदर जो है अमृतसर में ये तीसरा धमाका है, और गोल्डन टेम्पल के पास ही जो है ये धमाके जो है वो लगातार हो रहे हैं। जो पिछले दिनों भी देखें तो पहला धमाका जो था वो 6 मई को होता है, उसके बाद दूसरा धमाका जो है वो 8 मई को होता है, और आज तीसरा धमाका जो है 11 मई जो है 12 बजे के करीब जो है ये धमाका जो है हुआ है। और बता दें कि अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसके पास जो है गुरु रामदास राय है, उसी के पास की जो पिछली साइड है वहां पर ये जो है धमाका हुआ है। और पुलिस की जो टीम है वो मौके पर जो है कल रात से ही जो है जांच की जो है कर रही है कि किस तरह का ये धमाका है, क्योंकि पिछले दिनों जो जब धमाके हुए थे उसी को लेकर भी जो पुलिस ने जो है फोरेंसिक टीमें जो थी वो जांच में लगी हुई थी, और एनएसजी की टीमें और जो दिल्ली से जो एनआईए की टीम है वो भी इस मामले में जो है जांच कर चुकी है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किस तरह के जो ये धमाके हैं वो लगातार जो है अमृतसर के आसपास के इलाके में हो रहे हैं। जी सपना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पंजाब के अमृतसर से ये खबर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान का अंत अब नजदीक है। पाकिस्तान के लोग ही पूरे मुल्क को